हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे और आपके काफ़ी क्वेश्चन थे इस चीज़ को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई जाए। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं और जिन्होंने नहीं भी दिया है, जिनका ER आ गया है, जो अब्सेंट थे या जो फेल हो गए उन सब्जेक्ट में, इनके एग्ज़ाम कब होंगे, इसके लिए प्रोसीजर क्या है, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के री एडमिशन, यानी जो एक्स स्टूडेंट है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और इसके अलावा क्या इसके लिए कोई एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना होता है, एग्ज़ामिनेशन की डेट्स क्या है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सेकेंड, फोर और सिक्स सेमेस्टर के, उनके अंदर ये तीन जो जिनमें अभी हम बैक आए उनके कोई भी डेट्स उसमें शो नहीं कर रही, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था या ER था, आपका थर्ड सेमेस्टर में अगर आपका एब्सेंट था या बैक था या ER था, जो भी था, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, एडमिशन नहीं कराया, या आपने फिफ्थ सेमेस्टर में बैक था, ER था या एग्ज़ाम नहीं दिया, जो भी था, तो इन तीनों के जो एग्ज़ाम्स है वो कब दोबारा कब होंगे, तो उसकी डेट मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों के जो एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम आपके दिसंबर के महीने में कंडक्ट हो। जी हाँ, अब आपको कैसा, इसके लिए डेट शीट कहाँ से आएगी, कैसे क्या होगा, क्या इसके लिए अलग से डेट शीट आएगी, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए डेट शीट अलग से नहीं आएगी। डेट शीट जो निकाली जाएगी वो फाइनल डेट शीट निकाली जाएगी, जिसमें इनकी भी डेट्स जो है वो इंक्लूड रहेंगी, जिसकी जानकारी मैं अभी तो नहीं दे पाऊँगा डेट शीट कब तक आएगी, ठीक, क्योंकि अभी तो आप देखिए अभी तो जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर तक ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर ऐसे स्टूडेंट जो इन तीनों सेमेस्टर में जिनका बैक है या ER है या छोड़ दिया है, क्या इनके लिए कोई फीस भी पे करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पेमेंट करना होगा। पहले तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी बैक आ चुकी है, यानी जिनकी ER है, उनको जो पेमेंट करना होगा वो 400 रुपये या 500 रुपये उनका पेमेंट है पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके पोर्टल पर शो कर जाएगी जब एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ओपन हो जाता है पोर्टल, तब आप ऑटोमेटिक उस फॉर्म को भर सकते हो, बट अभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्यों अब एग्ज़ाम सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के हो रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम फिलहाल एक्स स्टूडेंट के नहीं हो रहे, ठीक है। अब एडमिशन की बात की जाए, जिन्होंने एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, मान लीजिए एडमिशन करा लिया बट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करा पाए, तो उनके लिए भी अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा। अभी जो एडमिशन चल रहे हैं SOL में वो फ्रेश एडमिशन चल रहे हैं, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एज स्टूडेंट के जो एडमिशन जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम होंगे, डेट शीट आएगी, एडमिट कार्ड अलग से आएगा, सब कुछ प्रॉपर आएगा, इसकी जानकारी मैं आने वाले टाइम तक आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन और आ रहा था कि सर, जैसे मैंने असेसमेंट नहीं दिया फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, या फेल हो गया असेसमेंट में, क्या मेरा असेसमेंट दोबारा हो जाएगा? जी, आपका असेसमेंट दोबारा से कंडक्ट करा लिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ, ठीक है, आपके उस पोर्टल पर शो हो जाएगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।